राजसमंद जिले में नाथद्वारा पुलिस ने बुधवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए दो कारों में ले जाए जा रहे 600 किलो चांदी के जेवरात बरामद किए हैं। पुलिस और एटीएस की कार्रवाई में पकड़े गए जेवरात गुजरात से उदयपुर लाए जा रहे थे। मुखबिर की सूचना पर बनाई गई संयुक्त टीम ने गुंजोल चौराहे पर नाकेबंदी की। यहां गुजरात से उदयपुर आ रही कार को रोककर उसमें बैठे युवकों से पूछताछ की गई। युवकों से संतोषप्रद जवाब नहीं मिलने से कार की तलाशी ली गई और कार से चांदी के आभूषण निकले। इसके साथ ही राजसमंद की ओर से आती हुई एक और कार की भी तलाशी ली गई, उसमें भी चांदी के जेवर बरामद हुए हैं। कार में सवार लोगों ने बताया कि कानपुर में बने हुए चांदी के आभूषणों को राजकोट पहुंचाया जाता है, वहां इनमें नगीने लगाए जाते हैं। यहां से तैयार चांदी के आभूषणों को कार से पुलिस ने पकड़ा है। दोनों कार से बरामद चांदी के जेवर 600 किलो के हैं। इस मामले में आयकर विभाग को भी सूचना दी गई है। टीएस टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए नाकेबंदी करके दो कारों को रुकवाया। उसमें दोनों कारों में अलग अलग करीब टोटल 600 किलो चांदी के जेवर बरामद हुए हैं और कार चालक हैं उसके साथ बैठे संदिग्ध युवकों से पूछताछ की। संतोष पर जवाब नहीं दे पाए और जो बिल उन्होंने प्रेषित किए उनके भी वो पुष्टि नहीं हो पाई। इस वजह से सेल टैक्स विभाग को और इनकम टैक्स विभाग को सूचना दी। सेल टैक्स विभाग आके और उनके बिल कागजात और जांच पड़ताल कर रहे हैं। चांदी के जेवरों का मूल्य। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।